मिठाई, ये बच्चे मिठाई लेके जा रहे हैं, इनके घर में कोई सेलिब्रेशन चल रही है। ये देखिए छोटा सा बच्चा, ये हमारा छोटा सा फैन है, ये हमें देखने के लिए। ब्रो आ गया, आज तो डे ऑफ है घूमने। तो गाइस मैं आ गया हूँ स्टोर, आ गया था काफी देर। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी आपका भाई उठ गया, अभी उठा। आज हमारा कॉलेज का दिन था बट हमारा सर नहीं थे, उनका मैसेज आया कि आज हमारा ऑफ है। तो सुबह मेरे दोस्त आ गया था, तो वो अभी कहते हैं चलो कहीं घूमने ही चले जाते हैं, वैसे भी आज कॉलेज तो ऑफ है। तो जितना हमारा टाइम रहता है स्टोर जाने को, उसमें हम थोड़ा सा घूम आते हैं, एंजॉय कराते हैं। ब्रो आ गया, आज तो डे ऑफ है घूमने, एंजॉय करने जाए। तो चलो हूँ रेडी होने और फिर जाते हैं घूमने, बस यूं रेडी होता हूँ। तो हो गया अब मैं रेडी, और अब जाते हैं। कहाँ जाना है ये तो जाएंगे तो पता चलेगा, बस जिस रास्ते निकल गए चले जाएंगे। तो चलें अभी चलते हैं। तो अभी हम इधर आ गए हैं, अंदर ब्रो गए हैं घर, कुछ फॉर्म वगैरह अपने उठाने, कुछ फॉर्म के रहते थे और इन्हें सबमिट करवाने, अपने कजन के हैं वो यहाँ पे नहीं थे, तो इन्होंने इनके अभी उनके फॉर्म जमा करवाने। तो अभी हम आए हैं वो फॉर्म लेने, और यहाँ से लेते हैं वो फॉर्म, फिर जाके वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। अभी मैं कब से इनका वेट कर रहा हूँ, ये अंदर गए हुए हैं और अपने फॉर्म में अभी तक लेके नहीं आए, और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हर। ये आ गए हैं गाइस, काफ़ी टाइम के बाद ये निकल आए, इतनी देर इसने लगाया भी है काफ़ी यहाँ पे इतना देर से वेट करो, फिर मैंने मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर लिया अपने टाइम गुजारने के लिए। तो अभी जाते हैं, अभी हमने किधर जाना है, ये फॉर्म जमा करवाने, सबमिट करवाने। तो अभी जाते हैं ये फॉर्म सबमिट करवाते हैं, और हमने फिर जाना स्टोर भी। अभी दिन बड़े हो रहे हैं तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, और कभी तो इतना खास टाइम होता नहीं था। तो चलते हैं अभी। फोटो स्ट्रेट करवा लिए पीछे बैग दुकान से, और अभी जा रहे हैं इसको सबमिट भी करवाना है, और स्टोर भी जाना है, बाजार भी जाना है, दो तीन काम और भी है। इधर से साइन करवा रहे हैं हमारे बहुत ही मशहूर टीचर उमर खान सर से, और साइन करवा के फिर जाते हैं यहाँ से, और सबमिट भी करवानी है। हम यहाँ आए हैं पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पे वो आज ऑफिस ही बंद था, तो अभी हम जाते हैं बाजार, और वहाँ से कुछ चीजें लेनी है वही ले रहे हैं। बच्चे पार्क में खेलने आए हुए हैं और हम जा रहे हैं, मौसम इतने मजे का है, और बच्चे यहाँ पे सिर्फ कुछ इतने खास आए भी नहीं है, कुछ काम नहीं आए हैं। मैं घर के पास आ गया था, बाजार में कुछ काम थे वो सारे मैंने कर लिए हैं। तो अभी मैं आई हूँ घर, तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, मेरी कुछ बेहतर नहीं थी, मैंने अपने वीडियोज इतनी खास बनाए भी नहीं है, बस जितना कर सका मैंने कर लिया है, और आपको दिखा दूंगा जो मैंने बना लिया है। तो कोशिश करूँगा अभी थोड़ी सी मजीद वीडियो को अच्छी करूँ, हो सका तो इंशाल्लाह कर लूँगा। तो अभी मैं घर आई, मेरी दो चीज़ें रह गई थी वो मैंने उठा ली हैं, अभी जाता हूँ स्टोर, और फिर स्टोर का टाइम भी हो गया, टाइम अभी स्लो हो रहा है तो इतनी जल्दी गुजर भी नहीं रहा। तुम से हो कहाँ जाते हैं? तो
लेट हो रहा है। चलो आज मेरे जाने के मूड भी नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो गाइस मैं आ गया हूँ स्टोर, आ गया था काफी देर से ही लेकिन फिर मैं काम शाम में बिजी हो गया था, कुछ मेडिसिन नहीं आई थी, उनको फिर अपनी जगह पर रखना पड़ता है और कुछ थोड़ी देर उन स्टोर वाले ही भी थे तो उनसे थोड़ी सी बातचीत होती रही है तो टाइम मेरा थोड़ा लग गया और अभी मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ तो मैंने कहा अपनी व्लॉग को कंटिन्यू कर लूँ। तो अभी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ, मेरे जहन में कुछ आइडियाज आए हैं तो मैंने कहा है कि मैं यहीं पर ही वीडियोज बना लेता हूँ। अब वो भी वीडियो पार्क में बनती तो ज्यादा मजे की बन जाती लेकिन अब क्या है पार्क में जा नहीं सकते तो मैंने सोचा फिर यहीं पर ही बना लेता हूँ। तो चल अभी मैं बनाता हूँ अपनी वीडियो। वीडियो के लिए मैंने जैकेट उतारी भी थी पहले से ही तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जगह तो सारे यहाँ पे जाऊँ तो मेडिसिन है, यहाँ पे आऊँ तो कॉस्मेटिक्स है। तो बनाते बनाते अचानक कस्टमर्स आ गए थे तो अभी चले गए। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को। तो मुझे उसमें चीजें तो जरूरत ही है नहीं लेकिन मैं उन चीजों को बगैर ही वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं अभी स्टार्ट करता अपनी वीडियो। मैंने वीडियोस बना रही हैं टिकटॉक की हैं तो मेरे टिकटॉक सैयद इफी हयात तो जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने भी वीडियो वगैरह बना ली है। अभी टाइम हो रहा है अजानों का तो अभी मैं कुछ देर के लिए होता हूँ म्यूट, उसके बाद स्टार्ट करता अपनी वीडियो। आज यहाँ पे बिल्कुल ही खामोशी, मैंने अभी जैकेट पहन ली है, मौसम थोड़ा सा ठंड वाला हो गया है तो जैकेट वगैरह मैंने पहन ली है। खामोशी बहुत ज्यादा इस वजह से कि सामने स्कूल जो है ना, ये स्कूल ये आज बंद है क्योंकि आज संडे स्कूल बंद है तो इस वजह से खामोशी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो गाइस हमारा दूसरा दोस्त आया, मैं सामने जा रहा हूँ। ये मेरे दूसरे दोस्त बैठे हुए यहाँ पे, ये देखे ये आए हुए, इनसे मिलने मुझसे मिलने नहीं आए। ना बोल, मेरे पास तो नहीं आया, इसके पास आए थे। मेरा बॉस क्या बोलता है, मेरा बॉस बोलता है कासिम आया है, वो सीधे सामने चले गए। मैंने कहा वो तो बंद है, बोलते तो कहा वो नमाज पढ़ने के लिए। ये मीमर्स मीम्स बनाने वाले और ये नए दोस्त बना के उनके साथ। तो गाइज अभी मेरा ये ब्रो आया था और अभी हम जा रहे हैं वैसे वॉक पे, ये काफी टाइम बाद आए हैं तो मैंने स्टोर से सैटरडे की छुट्टी ली है और वैसे जा रहा हूँ अब घूमने वॉक पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके साथ, इनकी तबीयत खराब थी, आए थे टेबलेट्स वगैरह लेने मुझसे तो मैंने इनको अभी मेडिसिन वगैरह दे दी है और अभी मैं इसको छोड़ने भी जाना है घर। पहले तो हम थोड़ा सा वॉक पे आए हैं मौसम एंजॉय करने तो फिर जाता हूँ इसको टैबलेट्स देता हूँ। अभी मैं जैसे यहाँ से बाइक लेता हूँ और इसको फिर छोड़ आता हूँ घर भी और फिर मैं वापस जाता हूँ स्टोर। स्टोर वालों ने आज कहाँ जाना है और आज स्टोर मैंने ही अकेले में संभाल रहे हैं तो अभी जाता हूँ बाइक लेने। ये देखिए गाइज ये बीमार है और वीडियो के लिए ठीक है, बाकी हम सारों का एक ही मसला है, हम वीडियो के लिए ठीक होते हैं बाकी बीमारी रहते हैं। मिठाई, ये बच्चे मिठाई लेके जा रहे हैं, इनके घर में कोई सेलिब्रेशन चल रही है और हम यहाँ पे पैदल जा रहे हैं। हम पहुँच गए घर के पास और निकालता हूँ बाइक पे, छोड़ के आता हूँ इसको, फिर वापस जाता हूँ स्टोर। और आज मैंने थकना बहुत ज्यादा है क्योंकि आज मैंने स्टोर में भी अकेले ही होना है। हाँ अभी हम रोड पे निकल है, जा रहे हैं, अभी बड़ा सारा कार है, इसको छोड़ के मैंने वापस आना है, नमाज का टाइम भी हो रहा है, मैंने वीडियो का एंड भी करना है और मैं आगे इसको छोड़ लें। इसका घर वहाँ पे बाबा जी जो आ रहे हैं उसी साइड पे है, ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से निकल जाएगा और मैं जाता हूँ वापस स्टोर क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा, वो फिर बोलेंगे कितना टाइम तुमने लगा दिया। तो अभी जाता हूँ यहाँ पे, गुड्डे वगैरह का मौसम फिर आ गया पतंग का और सारे बच्चे गली में भाग रहे हैं। ग्राउंड के मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ग्राउंड में कोई मैच खेल रहा है, कोई पतंगों के पीछे भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो दिखाता हूँ मैं आपको ग्राउंड का व्यू भी। ये जा रहा है, बाय बाय, मिलेंगे, सी यू। तो अभी मैं जाता हूँ स्टोर। देखेंगे ये कुछ मैच खेल रहे हैं,
कुछ पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ पतंगों के पीछे ही भाग रहे हैं और सब अपने डिफरेंट तरीके से एंजॉय कर रहे हैं ग्राउंड में। बहुत ही मजे कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए अपने घर की रवानगी। तो मैं बाहर आया था वैसे ही थोड़ा सा मूड फ्रेश करने, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी लंबी थी तो मैंने थोड़ी देर की ब्रेक ले ली है। और यहाँ आया हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाएं। साथ ही ये इस बर्तन को भी मैं लेके आई हूँ, किसको देखो। अभी यहाँ पे हम बैठ इंजॉय करें। ये देखिए छोटा सा बच्चा, ये हमारा छोटा सा फैन है, ये हमें देखने के लिए आया हुआ है। हाय हाय करो, हाय करो, हाय हाय। किधर जा रहे हो नाना? झूले खाने जा रहे हो? घर किधर है तुम्हारा? अम्मा के पास। इतने क्यूट सा बच्चा है छोटा सा, ये यहाँ पे अपनी साइकिल चला रहा है ना। ये गुड्डा पकड़ा है, चीखे इस तरह मारे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। और पतंग होती है वो, गुड्डा नहीं होता पतंग। इन्होंने ये गुड्डा पकड़ा है, हम अपनी जुबान में बोलते हैं गुड्डा। दूसरी पतंग आ रही है और ये सारे नीचे बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं। ये देखे पतंग आ रही है, ये सारे उस साइड भाग गए। हमारी देर बहुत हो गई। ये देखें, ये कब्रिस्तान है, ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान था और अभी इस जगह को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। और अभी हम भी जाते हैं स्टोर, क्योंकि काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके नहीं और अभी जाते हैं स्टोर में। आया हुआ था मस्जिद, नमाज पढ़ी और अभी जा रहा हूँ स्टोर। तो गाइस मैं स्टोर आ गया था और फिर काम में बिजी हो गए थे। यहाँ पे इस टाइम पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट तो काफ़ी आते जाते हैं, फिर बंदा बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, कभी कौन आते कभी कौन। तो टाइम नहीं था कि मैं अपनी वीडियो बना सकता, तो अभी भी जान हुई है नमाज का टाइम है, तो इसलिए थोड़ा सा भी रश कंट्रोल हुआ है। तो मैंने कहा अपने व्लॉग का एंड कर लेता हूँ, तो मैं लाइट्स वगैरह भी पूरी ऑन कर लेता हूँ। लाइट्स ऑन नहीं थी और अभी लाइट के जाने का भी टाइम है, अचानक लाइट भी अभी चली जाएगी पाकिस्तान, कुछ भी किसी टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ व्लॉग का एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।